नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में कैंट के दिलकुशा में भारी बारिश से दीवार गिरने की वजह से दीवार के पास सो रहे 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल है। साथ ही हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें सभी मृतक को बाहर निकाला गया। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस हादसे पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार को 4 लाख की मदद और घायलों को बेहतर इलाज कराए जाने के निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे संवाददाता शादाब का। शादाब, लखनऊ में कैंट के दिलकुशा में भारी बारिश से दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है, 9 लोगों की मौत हो गई है, क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए मयूरी, मैं बता दूं, 24 घंटे से लगातार बारिश हुई थी। बारिश के चलते यहाँ से हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम सिविल हॉस्पिटल के पास मौजूद है इस टाइम, जहाँ पर ये जहाँ पे इसको एडमिट कराया गया है। 2 लोगों को एडमिट कराया गया, वहीं 9 लोगों की मौत बताई जा रही। मौके पे आला अधिकारी भी मौजूद है, चाहे वो मंडला आयुक्त हो, चाहे वो DM हो, और साथ ही कई बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद है। हम आपको ये एम्बुलेंस दिखाना चाहेंगे, ये यहाँ पे एम्बुलेंस क्या 100 जो लोग मरे हैं वो 100 यहाँ से निकल गए हैं। मंडला आयुक्त यहाँ पे आई हुई थी, अब यहाँ से वो घटना जा रहे हैं। वहीं हम आपको ये भी मयूरी बता दें कि मुख्यमंत्री भी यहाँ मौके पे आ रहे थे, वो अभी नहीं आ पाए हैं। फिलहाल जो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को आदेश दे दिए है कि मौके पर वो पहुंचे और जो भी राहत कार्य वो पूरे शक्ति से किया जाए। फिलहाल जो मुख्यमंत्री ने अभी जो परिवार जो मौत जिनकी हुई है उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। वहीं जो घायल हैं उनके ऊपर उनको यहाँ पे सिविल में भर्ती भी कराया है। जी मयूरी जी, शादाब, क्या वहाँ मलबे से सभी लोगों को निकाल लिया गया है और इस घटना की किस कारण, मतलब किसकी लापरवाही निकल कर सामने आई है जो इतना बड़ा घटना हो गई? देखिए वहाँ से सबको निकाल लिया गया, रिव्यू भी चलाया गया था, जहाँ पर ये दीवार गिरी थी 9 लोगों की मौत बताई जा रही है, वहीं 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल वहाँ पे अभी कोई नहीं दबा है, सबको निकाल लिया गया है और जो लोग घायल गंभीर रूप से घायल थे उनको हॉस्पिटल में या सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, और जो 9 लोगों की मौत हुई है उनको अब मर्चरी भेजा जा रहा है, वहीं से ही पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या प्रशासन करती है। फिलहाल अभी जो ये दीवार गिरी है, बताया जा रहा है जो अधिकारी उन्होंने बताया, ये 10 साल पुरानी दीवार थी। जो लोग भरे हैं वो झांसी के रहने वाले थे, जिसमें 3 बच्चियां थी और 3 पुरुष और 3 महिलाएं थी जिनकी मौत हुई है। जी जी शादाब, अभी आपने बताया 2 गंभीर लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी स्थिति अभी कैसी बताई जा रही है? देखिए मयूरी, अभी गंभीर है, फिलहाल डॉक्टरों ने उनको खतरे से बाहर बताया है, लेकिन उनके चोटें ज्यादा है। हम कोशिश करते दिखलाने की, लेकिन वहाँ पे जाने से मना किया जा रहा है, मीडिया को भी रोक दिया गया है जाने से, इसको लेके वहाँ पे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो डॉक्टर ने खतरे से उनको लोग को खतरे से बाहर बताया है, लेकिन उनके चोटें गंभीर आई हुई है, तो आप गंभीर चोटें हैं लेकिन खतरे से बाहर है। जी मयूरी जी, शादाब, इस घटना का CM ने संज्ञान लिया है और मृतकों को 4 लाख देने का मुआवजा ऐलान किया है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए जैसे ही 24 घंटे बारिश के हो गए थे, जिसके चलते कई जगहों पे ये हादसा है सुनने को मिला है, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे लखनऊ का गोमती नगर हो या हजरतगंज हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं सामने आई है, हादसा सामने आया है। हम इससे आपको बता दें कि अभी हजरतगंज में भी एक छत गिरने की सूचना आ रही है, वहीं गोमती नगर में भी दीवार गिरने से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई घटनाएं ऐसी, क्योंकि 24 घंटे से बारिश हो रही थी, और वहीं अगर मंडला आयुक्त की बात की जाए डॉक्टर रोशन जैकब की, वो भी लगातार फील्ड पे नजर आ रही है, जमीन पे वो मौजूद नजर आ रही है, वो लगातार जहाँ जल भराव है, चाहे वो कोई भी ऐसी जगह हो वहाँ पे भी वो नजर आ रही है।
इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर आदेश जारी कर दिए हैं कि जितने भी अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और जो भी दिक्कतें को सामना जनता को करना पड़ रहा है उसका निष्पक्ष सलूशन निकाला जाए। फिलहाल मुख्यमंत्री ने जो लोग मृत्यु लोग हैं वो मरे हैं उनको 4 लाख का मुआवजा देने की बात कही है, वहीं जो घायल हैं उनके ठीक से इलाज करने की बात कही है। जी मयूर जी, धन्यवाद शादाब तमाम जानकारियों के लिए। इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।